ये भैया का चैनल का नाम है मिस्टर श्रीवास्तव। मैं काफी पुराना सब्सक्राइबर हूँ इनका। तो बोलते हैं इनफील्ड गन, जो कि विश्व युद्ध प्रथम के दौरान हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर श्रीवास्तव। सो मैं आ गया हूँ आप सबके साथ एक नया ट्रायल ब्लॉग लेकर। जी हाँ, और आप सब जरूर सोचोगे कि पिछले ब्लॉग में भी यही पहना था और इस ब्लॉग में भी यही पहन रहा है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सेम डे में आप लोग के लिए 3-4 ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा दूसरा ब्लॉग है क्योंकि कोलकाता में 2 दिन के लिए आया हूँ, जिसमें से एक दिन निकल गया एग्जाम देने में और एक ब्लॉग बनाने में। तो ये आज मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ आप सबके लिए ट्रायल ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, विक्टोरियन मेमोरियल में जाकर। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं। तो फिलहाल अभी मैं अपने होटल रूम में हूँ और जस्ट यहाँ पे सारा सेटलमेंट करके मैं निकलूँगा। तो चलिए चलते हैं। सारा मैंने पैकिंग कर लिया है और बस यहाँ नीचे जाऊँगा और भाई रूम लॉक कर रहा है तो डायरेक्टली नीचे जाएंगे। और वहाँ से यार एक चीज़ बताऊँ, यहाँ के जो राइड है सब चीज़ सस्ता है, खाना पीना सस्ता है, स्ट्रीट फूड सस्ता है, और बाकी जैसे राइड वाइड ऑटो ऑटो लो ना तो यहाँ पे बहुत महंगा है। या तो मुझे लग रहा है कि मुझे लूट रहे हैं या तो यहाँ सच में यहाँ पे महंगा है, पता नहीं। आपको पता होगा तो आप कमेंट में बता देना मुझे। पैसे बचाने के चलते हमने अलग अलग बाइक यहाँ पे बुक किया हुआ है। कंजूस नंबर 1 है, कार से नहीं जा रहा है, बाइक से जा रहा है। तो हम दोनों ने अलग अलग उबर बाइक हमने यहाँ पे बुक किया है। लेट्स सी कितने देर में आता है, दिखा दो 3 मिनट रहा है लेकिन आता है। ये जो आप सामने टैक्सी दे रहे हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा उबर बाइक आ चुका है और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे राइड स्टार्ट करने अपना। उसका नहीं आया तो वो पीछे से आएगा। बैठ गया हूँ अभी और निकल रहा हूँ यहाँ से, और वहाँ पे देखो अनीश भी वेट कर रहा है, उसका बाइक नहीं आया अभी तक। उबर बाइक पे ये भैया है, और ये देखो कोलकाता की रोड ऐसी होती है बॉस। यहाँ पे वो रेल चलती है, रेल को क्या बोलते हैं भैया, ये जो ट्रम, इस रेल को ट्रम बोलते हैं, मतलब रोड पे रेल को ट्रम नहीं बोलते, हाँ। ट्रम को ही ट्रम बोलते हैं। अच्छा सॉरी, जो रोड पे ये चलता है ये बहुत रेली बोलते हैं। रेल को रेली बोलते हैं, एक्चुअली मुझे पता नहीं है ना, रेल जैसी लग रही थी इसीलिए मुझे लगा कि उसको ये बोलते हैं। कोई नहीं, तो कुछ नए नए चीज़ देखने को और मिलेगा। कल तो भाई एग्जाम देकर पक गया था, रात में अच्छा सा ब्लॉगिंग हो गया। और फिलहाल अभी जा रहा हूँ विक्टोरिया मेमोरियल, और भैया बताएंगे बीच बीच में जो जो अच्छा चीज़ होगा। तब तक के लिए मिलते हैं, चलो। पहला मोटो ब्लॉग भी कह सकते हैं और ये ट्रैवल ब्लॉग भी कह सकते हैं, आप जो कहना आप कह सकते हो। बीच में अगर कुछ खाने को मिल जाए तो वो फूड ब्लॉग भी बन जाएगा। तो एक ही ब्लॉग में आपको सब चीज़ देखने को मिल जाएगा। धर्मतला मोड़ है ये, मतलब ये है धर्मतला मोड़। स्पेशल कुछ यहाँ का स्पेशल है, ये कलकत्ता का हार्ट है, हार्ट ऑफ द सिटी बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग जहाँ पे है ना, ये कोलकाता का हार्ट है, हार्ट ऑफ द सिटी। तो ये बीचों बीच है क्या, ये बीचों बीच में, ये हार्ट ऑफ द सिटी बीचों बीच बोल सकते हो। हाँ, हार्ट ऑफ द सिटी इसलिए क्योंकि यहाँ पे मतलब शॉपिंग करने का बहुत ये हब है, शॉपिंग हब बोल सकते हो। अच्छा अच्छा, खाना वाना सब बड़ा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे सब कुछ, मतलब तो हमारे सब के लिए एक जन्नत है, फूड ब्लॉगर के लिए एक जन्नत है। तो ये एक राइट साइड में मिठाई का दुकान है जहाँ पे वो रसगुल्ला जो है वो बना था। हाँ, मतलब रसगुल्ला ओरिजिन हुआ था, ओरिजिन वाला। तो अभी यार हमारे आसपास अभी ऐसी ऐसी चीजें ना जहाँ पे हम बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो डेस्टिनेशन है वो विक्टोरिया मेमोरियल है, वहीं पे जाएंगे। बस किस्मत ही है कि हम लोग 2 ही दिन के लिए आए कोलकाता। नेक्स्ट टाइम जो भी आएंगे, तो जैसे भैया ने बताया कि यहाँ पे रसगुल्ले का ओरिजिन में जस्ट थोड़ा सा आगे है, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वहाँ पे ब्लॉक करने जरूर जाएंगे। टाइम पे ये इंडिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है अभी के टाइम पे। अभी मुंबई में इससे भी ऊंचा बन रहा है, लेकिन अभी करंट के टाइम पे वो जो ब्लू कलर का आपको ऊपर दिख रहा है वो अभी तक का सबसे बड़ा बिल्डिंग है इंडिया का। तो भैया मुझे पूरा कोलकाता का दर्शन कराते हुए लेके जा रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल। देख सकते हो उस पार विक्टोरिया मेमोरियल दिख रहा है आपको, दिख रहा है तो यार कमेंट कर दो। बस ऑलमोस्ट पहुँची, सो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। सो ये थैंक यू सो मच भैया पूरा कोलकाता का दर्शन कराने के लिए। और
ये भैया का चैनल का नाम है मिस्टर श्रीवास्तव, मैं काफ़ी पुराना सब्सक्राइबर हूँ इनका, तो प्लीज़ चैनल को देख लीजिएगा आप, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, काफ़ी अच्छा वीडियो बनाता है मिस्टर श्रीवास्तव, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और वीडियो बहुत अच्छा बनाता है, प्लीज़ इसको सपोर्ट करना। तो मच, इन्होंने मतलब मैं बाकी जो भी कैब रहते हैं ना वो मतलब वैसे ही छोड़ देते हैं देश ने, लेकिन इनके साथ मतलब ट्रिप करके बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया। थैंक यू सो मच भैया। 15 जाने के टिकट ले सकते हैं यहाँ पे, सारे प्राइस 50, 100, 150 अकॉर्डिंग टू मतलब जैसा व्यू आपको देखना है, तो देखते हैं मैं क्या लेता हूँ। सो अभी हम लोग आ गए हैं विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर, तो यहाँ देखो भाई, यहाँ पे चलने का जूता पहनकर याना, एक चीज़ सजेस्ट करूँगा मैं, चप्पल ऊपर पहन के मत आया जाना, तो जल्दी जल्दी चलते हैं, धूप बहुत कड़ी है, गला सूखा जा रहा है, वैसे तो पानी तो ले लेना भाई, एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि यहाँ आके ना पानी ज़रूर ले लेना, और बहुत सारे सुंदर से गार्डन यहाँ पे देखने, मेरा फर्स्ट टाइम विजिट है यहाँ पे, आपने पहले आया हुआ है यहाँ पे, तो एक बार कमेंट बता देना कि आप पहले आ चुके हैं। ऊपर से ये मास्क पहनना तो ज़रूरी है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सांस जो लेने में प्रॉब्लम हो रही है ना, वो तो क्या होता हूँ। बहुत ज़्यादा अगर पसंद आ रही है तो यहाँ के गार्डन्स, भले गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको तो साइड में रखते हैं, यहाँ के जो गार्डन्स हैं ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, और पीछे जो आप मेरे ये विक्टोरिया मेमोरियल देख रहे हो भाई, ये बाहर से तो कसम से बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, अंदर जाकर देखते हैं कि ये कैसा लगता है। ये मेरा फर्स्ट विजिट है, एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा, और एक चीज़ आज मुझे बहुत अच्छी लगी था कि यार मेरे वीडियोज़ लोग कोलकाता में भी देखते हैं, जैसे राइड पर जो भैया थे उबर बाइक वाले, उन्होंने लास्ट में जाकर रिवील किया कि मेरे वीडियो देखते मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छा लगता है यार जब कोई ऐसे बोलता है। तो ये वीडियोग्राफी यहाँ पर यहाँ पे आप जितने भी पुराने तस्वीरें हैं, जितने भी पुराने डॉक्यूमेंट्री है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोजेक्टर पे सब चलाया जा रहा है, सारे लोग यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी के वीडियोस और फोटोज़ यहाँ पे। तो 1939 में नेताजी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफा का घोषणा किया था, इस तस्वीर में आप ये देख सकते हो, डिस्प्ले जिसमें आप ये सारी डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो, 1897 से लेकर 1945 तक के उनके बारे में सारा चीज़ यहाँ पे आप इसमें देख सकते हो। चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ देखने को क्या क्या मिलता है हमें। हाँ, जो एक जिस एकदम वैसी वाली फील आ रही है, तो ये क्या है, चलिए आके देखते हैं। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं आपको पता है किससे है, किसकी है, ये है तात्या टोपे जी की, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हर एक तस्वीर अपने आप में कुछ ना कुछ बयां कर रही है।
ये देखिए, ये जो तस्वीर है, जो ये पेंटिंग है, अपने आप में ही कुछ बयां कर रही है। ये शिप की मॉडल है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेमोरियल का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा विक्टोरिया मेमोरियल दिखता कैसा है। तो बोलते हैं इनफील्ड गन, जो कि विश्व युद्ध प्रथम के दौरान अमेरिकन सैनिकों द्वारा यूज की गई थी। साहब, इससे पहले ऐसा कुछ मैंने तो नहीं देखा है। बहुत ही लाजवाब है। इसमें आप जो देख रहे हो कि एक लड़की थी जिसने झांसी रेजिमेंट से कैसे हिस्सा बनकर देश के लिए लड़ा था, वो ये उसी का ड्रेस। जितने भी पिलर के बीच में आप देख रहे हो, स्क्रीन प्ले हो रहा है ये तो यार। और जो इनका जो साउंड आ रहा है ना, आपके शरीर में जो लग रहा है, अलग एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। देख रहे हो, ये आज़ाद हिंद फौज के एक सैनिक का चश्मा है। बस पुराने जो लिखे गए हैं, ये वो चीज़ है। यहाँ पे मैं पूरा अच्छे से तो इनमें पढ़ नहीं सकता, लेकिन जो वाइब जा रही है ना बॉस, वो बहुत ही एकदम अमेजिंग है। यहाँ कुछ और भी पेपर्स आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। कोलकाता टू बर्लिन का पूरा मैप सारा डिटेल में दिया गया है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो। जस्ट सामने देख सकते हैं, गजब ही एकदम खूबसूरत सा गार्डन। सारा चीज़ आपको दिखा दिया है, और बस बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, अंदर से वापस जाने नहीं दे रहे उस साइड। पूरा ऐसे घूम के हमें वापस एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना पड़ेगा, और लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर आओ तो मतलब हाफ शर्ट या फिर लोअर पे ही आना, क्योंकि मेरी हालत तो टाइट हो चुकी है, और बैक टू बैक ब्लॉक कर तो और हालत टाइट हो चुकी है। जैसे कि इससे मैं 2 घंटे पहले एक और ब्लॉक करके आया हूँ, वो कवर किया, अभी जस्ट इसको कर रहा हूँ, इसके बाद एक और करूँगा शायद टाइम मिला तो। वैसे तो बैटरी बहुत कम है। सब चीज़ यहाँ का दिखा दिया, ये आप पीछे देख ही रहे हो ये बिल्डिंग। तो यहाँ पे ही अब ब्लॉग को थोड़ा मैं अब ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और सब चीज़ आपको दिखा दिया। कैसा लगा यहाँ पे घूम के, कैसा लगा? अच्छा लगा, मज़ा आया, अच्छा लगा। मन से नहीं बोल रहा, ये मेरे को रास्ते में बोल रहा था, ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप पहले यहाँ पे आए हो तो कमेंट में बता देना, और ये ब्लॉग कैसा लगा ये भी बता देना। लेकिन बाकी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। बस बैक टू बैक आप ही सबके लिए ब्लॉग बना रहा हूँ। और अच्छा लगा ये कि कोलकाता में मेरे व्यूअर्स हैं, जैसे कि वो राइड वाले ने मतलब बताया कि आपको पुराना सब्सक्राइबर हूँ मैं। तो ऐसे ही बस प्यार दुलार देते रहो, और मिस्टर सेल्स तो आपको वीडियो बना के देते रहेगा। तो चलिए चलते हैं, लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का।